तो फिलहाल प्रधानमंत्री ने जब इस पैकेज का ऐलान किया तो उसके बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टुकड़ों में यानी किश्तों में देश को बताएंगी कि ये पैकेज कौन से सेक्टर में किस तरह से दिया जाएगा, इसका आवंटन कैसे होगा पैसों को लेकर और उसके फायदे क्या होंगे। तो ऐसा ही हुआ कि हमने देखा उसके बाद 5 दिन लगातार वित्त मंत्री देश से मुखातिब हुई, उन्होंने इन्हें तमाम किश्तों में बांटते हुए ये बता दिया कि कौन से सेक्टर को कितना लाभ देने की योजना सरकार की है। लेकिन उसके साथ ही आपको ये बता दें कि अब इसके बजट को मंजूरी इस बैठक में मिलेगी, उसके बाद ही आवंटित किया जाएगा, क्योंकि सरकार की अब प्राथमिकता यह है कि जो ऐलान के बाद जल्द से जल्द हर एक सेक्टर को राहत पहुंचाई जाए, खासतौर पर छोटे उद्योगों को, खासतौर पर किसानों को, खासतौर पर मजदूरों को और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये स्पष्ट किया गया था कि एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा है वो सफर ना करे, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आप देखिए सवाल ये कि सरकार ने आज किसानों को क्या दिया, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, ये हम आपको बता रहे हैं क्या क्या फायदा हुआ, किसान सस्ती दरों पर कर्ज ले पाएंगे। जब वित्त मंत्री ऐलान कर रही थी किश्तों का, किसानों के लिए उन्होंने किस तरह के ऐलान किए, सवाल यहाँ ये भी था कि सरकार ने आज जो किसानों को दिया है उसमें और फायदा क्या होगा, किसानों के पास बीज खरीदने के लिए पैसा होगा क्योंकि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुए हैं, 3 करोड़ किसान सस्ती दरों पर कर्ज ले चुके हैं। इसी के साथ तो ये हम आपको किसानों को जो फायदा होगा वो बता रहे हैं, क्योंकि आज इस पर बैठक में मंथन होगा कि कैसे तुरंत रूप से किसानों को राहत दी जाए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में सरकार ये पहले भी साफ कर चुकी है कि किसानों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है और इसी पर हम काम भी कर रहे हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, आज ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जिन 5 पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे वो 5ों ही आने वाले समय के लिए देश में बहुत जरूरी है। बिल्कुल पयोधी, देखिए लगातार केंद्र सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सरकार के राहत पैकेजों के बारे में बता रही हैं और आज जो ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है इसमें विशेष तौर पर किसानों के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा साइक्लोन के लिए राहत पैकेज पर कुछ मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही साथ कैबिनेट लॉकडाउन के ताजा हालात पर, जो लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हुई है और कई तरह की रियायतें मिली हैं उसके बाद देश में क्या हालात है, इस पर भी चर्चा होगी। उम्मीदें जताई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में आगे की रूपरेखा भी तय करेंगे और कई अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे जिससे आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों तक सीधे मदद पहुंच सके, इस पर सरकार का फोकस होगा। पायोधी विशाल, और ये कहा जा रहा है कि किसानों को तुरंत रूप से राहत देना, और दूसरी बात ये भी है कि जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया था उसका आवंटन जो किश्त में किया गया वित्त मंत्री के जरिए, उस बजट को मंजूरी देना क्योंकि वो तुरंत रूप से लोगों तक उसका फायदा पहुंचे, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जो ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राष्ट्र के नाम संदेश में किया गया था, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस तरह से पैकेज की जानकारी दे रही है उसका एक फॉर्मल मंजूरी कैबिनेट के जरिए जरूरी होती है, तो उस पूरे पैकेज को कैबिनेट मंजूरी देगा और इसके साथ ही साथ इस बैठक में किसानों को लेकर जो अहम फैसले लिए जाएंगे वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसान इस लॉकडाउन के दौरान लगातार अपनी तमाम चीजें नहीं कर पाए, चाहे उनकी फसलों की बिक्री का मामला हो या फिर उनको मार्केट तक पहुंच पाना हो, इस तरह की तमाम दिक्कतें उनके सामने आई थी, तो आने वाले दिनों में किसानों के लिए क्या कुछ प्लान होगा इस पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगा और उम्मीदें जताई जा रही है कि कुछ डायरेक्ट फायदा कैसे किसानों तक पहुंचे वो इस बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं। विशाल, हम लगातार ये भी देखते आ रहे थे कि सरकार इस दौरान जो योजनाएं बना रही है उन योजनाओं की पूरी जानकारी लोगों तक पहुंच कम रही है। अब किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए जो कर्ज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है तो ये भी सुनिश्चित करना होगा सरकार को कि कैसे ये तमाम योजनाएं किसानों तक पहुंचे ताकि वो इसका लाभ उठा सके। बिल्कुल पयोधी, क्योंकि देखिए आपने अभी ताजा उदाहरण देखा होगा मजदूरों के मामले में, सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया चलाई गई, लेकिन वो पूरी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई और इसीलिए आप देखिए मजदूर पैदल सड़कों पर निकल गए क्योंकि कई लोग उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह से जो घोषणाएं, जो राहत पैकेज सरकार की तरफ से आम लोगों को दी जा रही उसको सरल भाषा में कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इस पर सरकार को आगे फोकस करना होगा।
होगा, खासतौर पर किसानों के मामले में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में किसान इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के माध्यम से या इन तमाम चीजों से नहीं जुड़े होते हैं। तो कैसे इस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि अब एक नए भारत की तस्वीर लिखी जानी है, कल से कई रियायतें दी गई हैं, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, कोरोना से भी लड़ना है, तो ऐसे स्थिति में लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, लोग जागरूक हों और जो ये राहत पैकेज और जो मदद सरकार की तरफ से की जा रही है वास्तव में ग्राउंड तक पहुंचे, इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। विशाल, लेकिन क्या मजदूरों पर भी कोई चर्चा होगी, क्योंकि ऐसी अभी कोई जानकारी आई नहीं है, क्या मजदूरों पर भी कोई चर्चा होगी? देखिए पयोधी, कैबिनेट की बैठक में फिलहाल मजदूरों पर ऐसा कोई ऑफिशियल कोई ऑफिशियल चीज नहीं आई है कि चर्चा होगी, पर उम्मीद जताई जाती है कि जो हालात हैं लॉकडाउन के बाद उन तमाम पहलुओं पर जो अभी उभर कर सामने आए हैं उस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन मजदूरों को लेकर अलग से लगातार सरकार निगाह बनाए हुई है, कैबिनेट सेक्रेटरी लगातार राज्यों के मुख्य सचिवों से बात कर रहे हैं, तो जो ताजा हालात अभी मजदूरों को लेकर उत्पन्न हुए हैं उस पर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने राज्य से मजदूरों को पैदल न चलने दें, उन्हें बसों की व्यवस्था कराए, उनके लिए ट्रेनों में बुकिंग कराए और उनको उनके घर तक पहुंचाए, इसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। आपसे इस बैठक के बाबत हर एक और जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो खबर है वो कोरोना अपडेट को लेकर है, तो वो जल्दी से मैं आपको बता दूं, आंकड़ा बढ़ चुका है। इसको लेकर जो जानकारी आई है वो ये है कि देश में कोरोना के जो मरीज हैं वो 1,06,750 पहुंच चुके हैं। ये आंकड़ा बढ़कर 1,06,750 हो गया है। देश में 42,298 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं, ये भी एक जानकारी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, और क्या आंकड़े हैं? देखिए पयोधी, बीते 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चिंताजनक आंकड़े हैं, क्योंकि न सिर्फ मौतों का आंकड़ा बढ़ा है बल्कि संक्रमण के मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में जो डेथ हुई है लगभग 140 और मरीजों की डेथ हुई है और ये आंकड़ा बढ़कर 3,303 हो गया है, यानी कोरोना संक्रमण के 3,303 मरीजों की अब तक डेथ हो चुकी है और बीते 24 घंटे में 140 और मरीजों की डेथ हुई है। इसके साथ ही एक्टिव जो मामले हैं वो भी बढ़ गए हैं, 61,149 एक्टिव मामले हो गए हैं। इसका मतलब है कि इनका इलाज चल रहा है, हालांकि जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, वो संख्या 42,298 हो गई है। पयोधी, ब्रह्म प्रकाश, ये आंकड़े बढ़ते हुए लगातार ये चेतावनी देने के लिए काफी है कि अभी हमें और संभल कर रहना होगा, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमने देश भर से ऐसी देखी लॉकडाउन 4 में, जहां थोड़ी रियायत दी गई तो लोग भूल गए कि ऐसा कोई संक्रमण भी इस देश में है या ऐसी जंग भी हम लड़ रहे हैं, तो अब उन्हें संभलना होगा। बिल्कुल संभलने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि हर दिन बीते 3 दिनों से हर दिन आंकड़े 5,000 के आसपास संक्रमण के आ रहे हैं, यानी 5,000 लोग हर 24 घंटे में संक्रमित चिन्हित हो रहे हैं और ये बड़ी तादाद है, और 5,000 यदि चिन्हित हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों में इसका और मल्टीप्लाई होगा और ज्यादा मामले आएंगे। लिहाजा लॉकडाउन का हर हाल में सभी को पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी ये संक्रमण की चेन टूटेगी। ब्रह्म प्रकाश, मैं टेस्ट को लेकर आपसे जानना चाहती हूँ, उनकी जो संख्या है, क्योंकि आईसीएमआर लगातार ये अपडेट भी करता रहता है, इसको लेकर कोई जानकारी है? और देखिए आईसीएमआर ने जो टेस्ट की संख्या बढ़ाई है, मैं आपको बता दूं कि लगातार हर दिन 24 घंटे के भीतर 1,00,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही आईसीएमआर ने ये भी अपनी जो टेस्टिंग रणनीति है उसमें भी बदलाव किया है। हर जिले में पहले ही मैंडेटरी किया जा चुका है कि एक सप्ताह में 200 टेस्ट होने जरूरी है, तो इसको लेकर भी पूरे देश भर में टेस्टिंग रणनीति नए सिरे से लागू कर दी है और आईसीएमआर अभी तक 25,00,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट कर चुका है, और ना सिर्फ लैब की संख्या बढ़ाई जा रही है बल्कि सैंपल टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, इसमें आईसीएमआर लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। पयोधी, ब्रह्म प्रकाश, जो एम्स के डायरेक्टर हैं या फिर और जो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना था कि ये भी दिन आएगा जब 5,000 तक 24 घंटे में मामले बढ़ेंगे, तो उसी तरह से हम देख रहे हैं जो अपडेट्स आ रही हैं, तो क्या आगे हम और बदलाव देखेंगे? क्या हम अभी ये मानकर चले कि आगे हम 24 घंटे में जो संक्रमण होने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ेगा? देखिए पयोधी, फिलहाल
ये लगता नहीं है अभी कि जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें कोई कमी होगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा वायरस जिस तरह से बढ़ता है कि 5000 लोग यदि चिन्हित हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि 5000 लोग कहीं ना कहीं 5-6-10 लोगों से टच में आए होंगे, लिहाजा उनमें भी संक्रमण फैला होगा। तो जो आंकड़ा है वो मल्टीप्लाई होता जाता है उसमें, यानी तेजी से बढ़ोतरी होती जाती है और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता है। तो हाल फिलहाल अगर कहें कि अभी लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये 24 घंटे पिछले 24 घंटे में जो बढ़ोतरी हुई है इनके आंकड़ों में, ये लगातार इसलिए आपको चेतावनी देने वाले हैं कि संभल जाइए। रियायत का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक गाइडलाइन को दरकिनार कर देंगे और जो अभी तक संयम बढ़ता है, जो अभी तक अनुशासन का पालन किया है, वो मतलब कुछ ही क्षणों में कैसे तितर बितर हो जाता है, ये आंकड़े आपको सावधान करने वाले हैं। देश में 4.0 लॉकडाउन लागू है, राज्यों ने अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी की हैं। आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं और आप ये समझिए कि जब देश में लॉकडाउन खुला तो लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी। खुले हुए शटर, बाजारों में लोगों की चहल पहल, सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां और ये जाम। लॉकडाउन 4.0 में पटरी पर लौटते देश की ये तस्वीरें बताती हैं कि हम अब कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार हैं। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, जी हाँ, सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पर कल की रियायत मिलने के बाद अब थोड़ी बहुत जो रौनक है वो लौटने लगी है। और आपको दिखा रहे कि किस तरीके से जो दुकानें हैं, चाहे फिर वो कपड़े की हों, जूतों की दुकानें हों, बुक स्टोर हों, अब वो खुलने लगे। कितना स्टाफ यहाँ पर रहेगा आपका? रहेंगे 2-3 रहेंगे, 3-4 रहेंगे। एक वक्त में कितने लोग अंदर आ सकेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, जो गाइडलाइन है दिल्ली सरकार की और भारत सरकार की, ठीक है। एक बार में हम 1-2 से ज्यादा अलाउड नहीं करेंगे अंदर। एक वक्त में 2 कस्टमर बहुत है, मतलब क्योंकि हमारा स्पेस कम है थोड़ा, तो 2 कस्टमर के लिए, और नीचे केवल एक ही सेल्समैन रहेगा, एक ऊपर स्टॉक में, बस 2 ही रहेंगे। धीरे धीरे आप खोलेंगे, अभी तो खैर कस्टमर भी नहीं होंगे। 55 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब देश को घर से बाहर निकलने की छूट मिली तो उसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिखा, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हर जगह नए नियम लागू हो चुके हैं। देश भर में 4.5 करोड़ दुकानें आज खुली, लेकिन ग्राहकों को एंट्री से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया है। रेस्टोरेंट खुले हैं, लेकिन लोग खाना पैक करवाकर घर ले जा रहे हैं। बाजारों में लोग आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। बस सेवाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन यात्रियों की सीमित संख्या के साथ ही चल रही हैं। सड़कों पर वाहन दौड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनमें सवार लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। यानी कि लोग अब कोरोना के साथ जीने का तरीका सीख रहे हैं और मान चुके हैं कि कोरोना अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहेगा। कब तक रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। ऑटो को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा और जो भी प्रोडक्ट हम घर के अंदर ले जाएंगे उसे पहले अच्छी तरीके से वॉश किया जाएगा। जीना एक जरूरी भी और एक मजबूरी भी है, तो पूरी तरह से सावधानी रख के हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी आशा के साथ आए हैं कि हम जो गाइडलाइंस जो हमें दी गई हैं उसका पालन करके हम किस तरह से उसको अपनी लाइफ को, अपने जिंदगी के दिनचर्या को हम चला सकते हैं। तो कोशिश तो यही है कि इसका अच्छे से पालन करके इसको आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए इसका क्या आगे रिजल्ट प्राप्त हो। कोरोना के साथ में जीना पड़ेगा, ये तो भाई लंबे टाइम रहेगा, ये तो खत्म होने वाला है नहीं अभी, तो ये अपनी सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ेगी। काम सब खोएंगे सारे। नए सर्कल भी बनाए हैं दुकान के आगे केप के, ताकि एक गज के दायरे पे कस्टमर खड़े रहें, और अंदर भी हमारे पूरे स्टाफ को मास्क वगैरह सब दे रखे हैं। सैनिटाइजर लेके जेब में डाल के निकला हूँ, मास्क लगा के निकला हूँ, और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करके निकला हूँ, और मार्केट में जा भी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देख रहा हूँ, और सभी इच्छित तरह महसूस हो रहा है। 55 दिनों के बाद खुले बाजारों में व्यापारियों ने दुकानें तो खोली, लेकिन लगभग सभी बाजारों में दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की बहुत कमी थी। इसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने राज्यों में पलायन कर गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं होगी, लेकिन जिंदगी रुकने का नहीं चलने का नाम है। पहले जैसा भी तो कुछ है नहीं, हम सुबह से ऐसे ही बैठे हैं
और दूसरी बात मैं खुद फिलहाल हैंडीकैप है, मेरे को घर चलाने में बहुत दिक्कत होने लगी, इसलिए मैं मजबूरन आके दुकान खोल के बैठा कि दो पैसा मिलेगा जिससे मेरा घर चलेगा। मेरे को तो सर कोई सरकार आके दे नहीं रही है ना कुछ कर रही है, तो घर रहने से मेरी खुला रहने से मेरा घर नहीं चलेगा। क्या बदलाव आए हैं? ऐसा है कि जिंदगी में कभी हमने सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया था, जो इतने साल में जो अभी हमने एक डेढ़ महीने में कर लिया है, और दूसरे हमने कभी ऐसे सोची भी नहीं थी कि ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आएगी। हम डेली कमा के खाने वाले हैं, हमारे दुकान का रेंट चालू है, घर का रेंट चालू है, ये सर हम भर नहीं पा रहे। अभी हमारे मकान मालिक या दुकान वाले जो अच्छे हैं कि हमको जिन्होंने टाइम दिया है माफ किया नहीं, मगर वो तो हमें देना ही है। इनकी दुकान है यहाँ पे सीपी में, इनका ट्रेवल एजेंसी का काम है, क्योंकि कोरोना के इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री पर असर पड़ा है तो वो ट्रेवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। और ये लोग किस तरह से यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, देखिए हैंड सैनिटाइजर इन्होंने आज से ही रख लिया है। असर आपके कारोबार पर पड़ा, और अब कैसे आप अपने कारोबार को दोबारा खड़ा करेंगे? सर अभी तो 100% असर है जी, बिल्कुल खत्म है, एकदम डेड है, ऑलमोस्ट डेड है, लेकिन हम फिर भी अब कोशिश करेंगे अगला लॉकडाउन खुले तो जैसे भी कुछ टूरिज्म स्टार्ट होगा। वैसे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, लेकिन हम कोशिश जारी रख रहे हैं। हम 6 महीने साल वेट करेंगे, देखेंगे उसके बाद देखो क्या होता है। आप यहां पर आएंगे तो ये जो कोहली साहब की दुकान है, इनकी दुकान में आपको सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क लगा दिए गए हैं, मार्किंग कर दिया गया, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ये यहां पर लिखा गया है। छूट सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं दी, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। ये कोरोना की छूट नहीं है, कोरोना ने छूट नहीं दी है, कोरोना तो अभी भी महामारी का रूप में ही चल रहा है, लेकिन हमें सर्वाइव करना है। लोग घरों से तो निकले लेकिन भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने से बचे। हर शख्स दो चीजों का पूरा ख्याल रख रहा था, पहली सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा मास्क। लोग एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे लेकिन हाथ मिलाने और गले मिलने की परंपरा से दूरी भी बना रहे थे। आपने बदलाव देखा है लोगों में, आदतें बदली हैं लोगों जी? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आ रहे हो तो सब, क्योंकि सब लोग समझ गए अभी कि एक जी बीमारी क्या है, चीज क्या है, तो हर कोई अपना साफ सफाई में लगे हैं सर। कुछ भी दाल चावल लेने का है तो भी दुकान में ऐसा फटाक करके जाके नहीं मिल, लाइन में लगने के लाइन में जब लेना पड़ रहा है सर। 2 महीने बाद दुकान खोल रहे हैं, जितने घर पे पैसे पड़े थे सब खत्म हो गए, मिडिल क्लास बंदे मांगते शर्म आती है, इसलिए दुकान खोलना जरूरी था, कुछ ना कुछ तो बेचेंगे, चाय पानी का खर्चा तो निकाल सकते हैं, इसलिए आज दुकान हमने जो खोलना जरूरी समझा। लोग लॉकडाउन खोलने से आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा है कि अभी भी कोरोना वायरस हवा में तैर रहा है, जो कभी भी हमें शिकार बना सकता है। लॉकडाउन 4.0 के जरिए सरकार ने रियायतें जरूर दे दी हैं, लेकिन कोरोना वायरस अब भी कोई रियायत नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए रोज आपको अपने दफ्तर जाना होगा, आपको अपने काम पर जाना होगा, हमें भी आना होगा, लेकिन सावधानी कैसे बरतनी है ये आप और हम पर ही निर्भर करता है। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, फौरन हाजिर होंगे। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।